डीसीएम से पशुओं का चारा के बीच में हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रहे दो अभियुक्तों को खोराबार पुलिस ने माडा पार फोरलेन के पास से लगभग 25 लाख के अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। इनकी पहचान जगजीत उर्फ जग्गा सिंह पुत्र निर्बैल सिंह निवासी गांडी बिंद थाना सराव जनपद तरन तारण पंजाब तथा गुरुबचन सिंह पुत्र सिंगारा सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक डीसीएम 289 पेटी में कुल 9338 सीसी शराब जो 2554 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब आंकी गई है उसे बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया कि ये लोग हरियाणा निर्मित शराब को बिहार बेचने के लिए ले जा रहे थे जिन्हें खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया। नहीं तो आ ही रहा था। हां मुजफ्फरपुर जा रहा था। कहां जा रहा था? मुजफ्फरपुर इससे पहले ठीक 289 पेटियां शराब की पकड़ी गई हैं अंग्रेजी शराब की जो उनका ऑथराइज थी तो उसके बाद ये अवैध शराब लेके थाना खोराबार ने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इस ट्रक में हरियाणा निर्मित अवैध शराब लगभग 289 पेटियां इसमें ले जाई जा रही थी अंग्रेजी शराब की और इनकी जो मार्केट वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है और इसमें ये जो ट्रक है इस पर यूपी का नंबर पड़ा हुआ था साथ ही साथ इसमें दो अन्य नंबर प्लेटें भी इसमें ट्रक के अंदर रखी गई थी और ये जो ट्रक है इसमें एक अभियुक्त है वो फरार हो गया है उसका नाम पता चला है और जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ से ले जा रहे थे? ये हरियाणा से बिहार में मुजफ्फरपुर बता रहे हैं वहाँ पर ये ले जा रहे थे और जो फोर लेन है वहाँ से ये गुजर रहे थे। तो इसका पहुंचाने की जिम्मेदारी हाँ इनकी जो जिम्मेदारी थी वो हरियाणा से शराब लेके बिहार में जो जनपद है मुजफ्फरपुर वहाँ इसको ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी।